हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा का है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं येट अनदर ब्यूटीफुल ऑडियो अपग्रेड जो हम इस इनोवा क्रिस्टा गाड़ी के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों आपने मेरे कई सारे ऑडियो अपग्रेड्स देखे, एक्टिव पैसिव मेनी ऑफ देम। आज का जो सेटअप है इट इज़ अ पैसिव सेटअप, बट ट्रस्ट मी वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड पैसिव सेटअप्स विच यू माइट हैव सीन। लेट मी फर्स्ट शो यू द कॉन्फ़िगरेशन जो हम इस गाड़ी में करने वाले हैं। वेल दोस्तों टू स्टार्ट ऑफ विथ, जब एक इतना हाई एंड ऑडियो अपग्रेड होता है, जब कस्टमर की इच्छा होती है सिस्टम अपग्रेड करने की, तो वी हैव नथिंग बेटर देन द रेजर हेड यूनिट ओवर हियर। ये है हमारा 8GB रैम का टच स्क्रीन सिस्टम विद 128GB स्टोरेज, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है विद अ QLED पैनल। दोस्तों एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले दोनों वायरलेस होता है इसके अंदर। एंड फॉर अ हाई एंड ऑडियो अपग्रेड दिस इज द बेस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट, द रीजन बींग इट कम्स विद अ 5.1 चैनल जेन्यून DSP, उसका मॉफसेट है 4x55 वॉट्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट कम्स विद अ 5 वोल्ट्स प्री आउट। तो जिस तरीके का इसमें कॉन्फिग्रेशन है इट इज ब्यूटिफुल। द बेस्ट पार्ट इज दिस ब्यूटिफुल 2K पैनल जो आज हम इसमें विटनेस करने मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हेड यूनिट जो हम इस गाड़ी में डाल रहे हैं, द स्पीकर्स ऑल्सो वट वी आर अपग्रेडिंग इज दिस ब्यूटिफुल वोचे 2-way कॉम्पोनेंट्स। चारों डोर में 4 स्पीकर्स आ जाएंगे, 4 डोर में 4 ट्वीटर्स आएंगे एंड अकॉर्डिंगली 4 क्रॉसओवर्स आएंगे। ये जो क्रॉसओवर है दोस्तों पूरा साउंड फिल्टर करेगा, ट्रेबल ट्वीटर को भेजेगा, वोकल स्पीकर को भेजेगा, सो द ओवरऑल साउंड क्लैरिटी इन द कार इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ऑल दीज 4 स्पीकर्स आर गोइंग टू बी ड्रिवन विद दिस वन ऑफ अ काइंड वोचे AV क्वात्रो एम्पलीफायर। दोस्तों ये है हमारा 800 वॉट्स का पावर्ड एम्पलीफायर जो एक अलग ही लेवल का है। दिस इज द हीरो ऑफ द एंटायर शो। ये है हमारा वोचे AV क्वात्रो 800 वॉट का पावर्ड एम्प जो हमारे पूरे चारों स्पीकर्स को ड्राइव करेगा और उसके फुलेस्ट कैपेसिटी में से विड्रॉ करेगा द बेस्ट आउटपुट। हम इसमें दे रहे एक पैसिव सबवूफर जो प्रॉपर 400 वॉट RMS का होता है जो डिक्की में बैठ जाएगा, एंड ये वूफर ड्राइव करेगा हमारा ये मोनोब्लॉक एम्प। तो ये जो एम्प है दोस्तों वूफर को इतना ब्यूटिफुली ड्राइव करेगा कि द रिजल्ट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। ये जितना भी आप सेटअप देख रहे हो इज गोइंग टू बी पावर्ड बाय दिस बिट 10 प्रोसेसर, मतलब इसके जो 5 चैनल प्रोसेसर है 4 चैनल स्पीकर्स को प्रोसेस करेंगे एंड द 5th चैनल विल गेट टू द सबवूफर। तो जिस तरीके से ऑडियो फिल्टर करेगा ये हमारा प्रोसेसर इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। दोस्तों ओवरऑल द एंटायर सेटअप इज अनदर लेवल। टोटल ऑडियो अपग्रेड इंक्लूडिंग द हेड यूनिट इज रफली अराउंड 4.5 लाख्स, लेकिन द रिजल्ट इज अनदर डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। नेक्स्ट सेगमेंट में लेट मी जस्ट शो यू द काइंड ऑफ डैम्पिंग एंड वायरिंग हम इस गाड़ी के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों बाई डिफॉल्ट जो इस गाड़ी के अंदर स्पीकर आता है वो लिटरली कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज द बेसिक पेपर कोनिंग स्पीकर जो लग के आता है, जिसके अंदर लिटरली कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है, कितने वॉट्स का स्पीकर है वो भी पता नहीं है, द कंट्री ऑफ ऑरिजिन का आइडिया नहीं है, देर इज नो ट्विटर, नथिंग एट ऑल। इट इज़ अ वेरी बेसिक एंड एन ऑर्डिनरी स्पीकर जो बाई डिफॉल्ट इस गाड़ी में लग के आता है। तो ऑब्वियसली बात है ऑडियो अपग्रेड तो हमारा बनता ही है, लेकिन आज जब हम एक ऑडियो अपग्रेड करते हैं इट इज़ जस्ट नॉट द स्पीकर्स विच आर बीइंग इंस्टॉल्ड, डैम्पिंग किस तरीके से होती है, वायरिंग हम क्या यूज़ करते हैं, ट्यूनिंग कैसी होती है, ये जो प्रॉपर चीज़ें हैं मिक्स होकर एक प्रॉपर ऑडियो अपग्रेड बनता है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों हमने इस गाड़ी के अंदर वो प्लास्टिक की शीट को निकालकर एक तरीके से डबल डैम्पिंग की है बाई हाई रेज ऑडियो। ये है हमारा जापानीज प्रोडक्ट जो डालने करने के बाद थर्मल इंसुलेशन वाइज वन ऑफ द हाईएस्ट है, मेल्ट होना पिघलना स्कोप नहीं है, एंड द वेट एब्जॉर्ब्स दी यू नो द डिस्टॉर्शन द नॉइज, इट इज़ ब्यूटिफुल। साथ ही साथ हम इस गाड़ी के अंदर जो वायरिंग भी यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द एंटायर कनेक्शन वायरिंग किट। दोस्तों आप देख सकते हो दिस कनेक्शन ब्रांड इज अ प्रॉपर मेड इन इटली ब्रांड। हमारा ये जो वायर आप देख रहे हो इज़ वन ऑफ आर हॉटेस्ट सेलिंग वन, क्योंकि एक ही वायर के अंदर यू गेट प्लस माइनस पर्पल, प्लस माइनस ग्रीन, प्लस माइनस ग्रे, प्लस माइनस वाइट, एंड ऑल्सो यू गेट दिस ब्लू कलर रिमोट वायर अलॉन्ग विद दिस। तो ये एक ही वायर है जो हमारे चारों डोर के स्पीकर्स को कनेक्ट करेगा सिस्टम से लेके एम्प तक, हमें इतने मल्टीपल वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूटिफुल सा कॉन्सेप्ट है, साथ में द पावर वायर यूज, द स्पीकर वायर यूज, दे आर ऑल OFSE वायरिंग। सो एंड ऑफ द डे जिस तरीके से ये छोटे छोटे चीज़ें एक ओवरऑल रिजल्ट में एक रिजल्ट में एक डिफरेंस बनाती है, इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बताऊंगा किस तरीके से इसका फिटमेंट हुआ है एंड हम देखेंगे किस तरीके से हम इसे ट्यून कर रहे हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ द कार। दोस्तों मैं आप लोग को बताने से पहले कि किस तरीके से हम इसमें ट्यून करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना अमेजिंग इसका इंस्टॉलेशन हुआ है।
वेल फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे सामने की तरफ में जो सिस्टम लगा है रेजर का हमारा, इट हैज गॉट अ ब्यूटीफुल फ्लश फिटमेंट। मतलब आपको एक सिंगल mm गैप नहीं है फ्रेम में एंड द सिस्टम में। 10 इंच का ब्यूटीफुल सा ये डिस्प्ले है कि नहीं, क्लासी। 2K पैनल उसके कलर से ही दिखाई दे रहा है भाई। ये हमारा वायरलेस कारप्ले जो अभी प्ले हो रहा है सिस्टम के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस गाड़ी के अंदर जिस तरीके से एम्पलीफायर्स एंड प्रोसेसर फिट हुए ऑल अंडर द सीट विदाउट टेकिंग एनी गैप इन द कार इज ऑल्सो अमेजिंग टू सी। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा AV क्वात्रो 4-चैनल एम्प जो सीट्स के नीचे आने वाला है, परफेक्ट तरीके से फिट हुआ है। एंड ऑल्सो इधर आप देख सकते हो ये कॉर्नर में हमारा Bit10 प्रोसेसर एंड द मोनोब्लॉक एम्पलीफायर। तो दिस इज हाउ द एंटायर इंस्टॉलेशन इन दिस कार इज डन। एंड अब आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसमें ट्यून करने वाले एंड देन एक्सपीरियंस करेंगे सम अमेजिंग मैजिकल सॉन्ग्स। ओह योर गाइस इज बैक। ओके, तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस गाड़ी में ऑडियो को ट्यून करने वाले हैं। एक छोटा सा आपको नॉलेज शेयर करता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली डज अ प्रोसेसर डू। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर हमें चार डोर में चार हमारे कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे ये हमारा वूफर जो हमारा डिक्की के अंदर जो मोनोब्लॉक एम्प से रन कर रहा है। वेल फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे हम जब यहाँ पर स्पीकर्स को सेलेक्ट करते हैं तो देर इज अ वेव विच इज फॉर्मिंग राइट फ्रॉम 90 Hz टू 20,000 Hz। ये जो एक छोटा सा वेव यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि भाई जो फ्रीक्वेंसीज हमें 90 Hz से पहले है वो पूरे कट ऑफ हो जाएंगे, वो हमें ज़रूरत ही नहीं है। दो ज़्यादा बेस फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्पीकर्स में से हमें बेस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वही अगर हम वूफर को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो राइट फ्रॉम 25 Hz टू 100 Hz हमारा ये वेव फॉर्म हो रहा है। इसके बाद के पूरे फ्रीक्वेंसीज डमी हो चुके हैं, दैट मीन्स हमारा जो वूफर है उसमें हमें वोकल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो बेस देगा। बेसिकली दैट इज व्हाट द प्रोसेसर डज फ्रेंड्स। हमारा प्रोसेसर स्पीकर्स में से ट्रू स्पीकर्स वोकल्स निकालेगा, वूफर में से ट्रू बेस निकालेगा, एंड एंड ऑफ द डे हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा गाड़ी के अंदर विच इज गोइंग टू बी प्योरली मैजिकल। तो दिस इज जस्ट अ फ्यू यू नो स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्यूनिंग ऑफ प्रोसेसर। इसके अंदर बहुत सारे और चीज़ें होते हैं, जैसा हमारा पोलैरिटीज, हमारी गाड़ी के अंदर द डीलेज व्हाट वी आर एडेड, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो ट्यून करना ज़रूरी होता है ताकि आपको एक एंड रिजल्ट अच्छा मिले। तो जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स एंड लेट मी गेट बैक टू यू गाइज अनदर टाइम, जहाँ पर मैं आप लोग को एक थोड़े गाने सुनाऊंगा एंड हम एक्सपीरियंस करेंगे सम मैजिक इन दिस कार। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू शो यू गाइज समथिंग म्यूजिकली मैजिकल। लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन माई हेड, ट्यूनिंग के टाइम पे भी मजा आ चुका है। लेट मी प्ले माई फर्स्ट सॉन्ग विच इज गोइंग टू शो यू सम अमेजिंग वोकल्स इन द कार। काफी सारे गाने सुनेंगे, दो तीन गाने तो मिनिमम सुनेंगे। इतनी
प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है प्याला पियो मैं प्रेम दा प्याला पियो एक पल में सदियां जियो ओए रत्ता जोगी मैं प्रेम दा प्याला पियो एक पल में सदियां जियो सारी मधुशाला रमता जोगी रमता जोगी है वोकल्स तो आपने सुनी लिया इस गाड़ी में क्या अमेजिंग लेवल के है। अब नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर ऑल यू पीपल जिनको फ्रैंकली स्पीकिंग बेस ज्यादा पसंद है, जिनको यू नो गाड़ी के अंदर वो पंची सॉन्ग्स पसंद है, तो दिस इज समथिंग फॉर यू गाइस, जस्ट एंजॉय द बेस ऑफ दिस सॉन्ग ऑल्सो। भाई साहब, what an amazing upgrade this is, मतलब literally बोल रहा हूँ भाई, मजा आ चुका है। I am thoroughly enjoying it, the kind of vocals, जिस तरीके से बेस आ रहा है गाड़ी में, ओ भाई साहब 4.5 लाख में अगर ये सेटअप मुझे मिल रहा है तो यकीन मानिए दिस इज बीइंग वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, इट इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग इंस्टॉल्ड, किस तरीके से वायरिंग की जाती है गाड़ी में, किस तरीके से डैम्पिंग होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके से ट्यूनिंग होती है ताकि आपको ये डिजायर्ड रिजल्ट मिले। मेरे पास इतने कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं, नमन भाई हमने आपका वीडियो देखा है, यही सेम सेटअप लगाया लेकिन मजा नहीं आ रहा है यार, व्हाट टू डू। बट भाई दैट ऑल प्योरली डिपेंड्स ऑन किस तरीके की वायरिंग हो रही है, किस तरीके का यू नो ट्यून अप हो रहा है हमारा सेटअप, सो दोस थिंग्स ऑल्सो डू प्ले अ वेरी मैसिव रोल। एंड आज the kind of setups we do, the kind of damping, the kind of wiring, the kind of set, you know, tunings we do,
आई कैन प्राउडली से दैट एवरी कस्टमर उनका जैसा जो टेस्ट होता है वी कैन सेटिस्फाई दैट फॉर श्योर। तो दोस्तों अगर आपका टेस्ट हो हैवी म्यूजिक, आपका टेस्ट हो सूदिंग साउंड, आपका टेस्ट हो हाई वोकल्स, वी कैन सेटिस्फाई टू एवरी टेस्ट बर्ड ऑफ योर्स। एंड अगर आप चाहते हो कि इस टाइप का सेटअप आज आपकी भी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज ड्राइव डाउन टू कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद एंड वी कैन टेक केयर ऑफ द रेस्ट। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस टाइप का मैं कंटेंट और भी नया लेते आते रहूँ आप लोग के लिए डेली, तो आप लोग को सिर्फ एक ही चीज़ करना है भाई, नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, क्योंकि जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा हर दिन आप लोग के लिए नया कुछ ना कुछ लेते आने के लिए। फ्रेंड दिस इज नमन गुप्ता यर साइनिंग ऑफ विद दिस अमेजिंग ऑडियो अपग्रेड जो हमने इनोवा क्रिस्टा में किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। We'll be waiting for you shortly at Carsonics. Thank you so much, everyone.